तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर बनने वाला यहां तर्रीघाट पुल का निर्माण कार्य पिछले 2.5 साल से अधूरा पड़ा है। छुरा और राजिम तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर हमेशा वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन इस मार्ग पर अब तक पुल नहीं बन पाने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बड़े वाहनों को यहां 20 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। इस मार्ग से गुजरने के लिए दोपहिया वाहन चालक कई बार जान जोखिम में डालकर नदी के बीचों बीच से अपने वाहन निकालने पर मजबूर हैं। ऐसे में पुल निर्माण में लेट लतीफी होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये पुल बहुत दिन से बन रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसे निकालते हो? ये ऐसे या तो उधर से और रास्ता घूम के जाना पड़ता है, बहुत परेशानी हो रहा है। कैसे करते हैं? पानी कम होता है तो लगता है, पानी रहता है तो ये रहता है तो घर से आ जाते हैं। बाइक को चलाते हुए निकाले, बहुत गड्ढे हैं वहाँ पर, और जैसे ही गाड़ी को निकालते रहते हैं ना तो वहाँ पर देखिए जो चक्के पीछे चक्के हैं वो दिक्कत होता है, दिक्कत होता है, जाम हो जाता है चक्का, कभी कभार बंद हो जाता है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए पुरुषोत्तम पात्रा। पुरुषोत्तम, आखिर इस पुल को इतना वक्त क्यों लग रहा है? पुल है या ताजमहल है जो बनने में इतना वक्त लग रहा है, क्या है? जी बिल्कुल, जो छुरा और राजिम को जोड़ने वाले जो दरीघाट पुल है, जो सड़क है, वहाँ पे ये पुल निर्माण होना था 2017 में। पुरुषोत्तम, आपको रुकना चाहूँगा। रामचंद्र साहब जुड़ गए हमारे पास, साथ सरपंच स्वराज एक्सप्रेस, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये पुल बन रहा है, इतना वक्त हो गया है, पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, आखिर इसकी लेट लतीफी की वजह क्या है? वजह क्या है मालूम नहीं सर जी, क्या है यहाँ पे जो अवरुद्ध हो रहा है, काम धीरे धीमी गति से चल रहा है, कारण उसके वो उसके पास जाए से पता चलेगा। इससे परेशानी किस तरह की आ रही, कितना वक्त हो गया इस पुल को निर्माण शुरू हुए? बहुत दिन हो गया सर, तीसरा साल पूर्ण होने वाला है, 2.5-3 साल पूर्ण होने वाला है, लेकिन अभी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। बच्चे लोग को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। यहाँ शिशु मंदिर संचालित, हाई स्कूल संचालित है, और कुंडेल गांव से यहाँ आने में बहुत परेशानी हो रही है सर। रामचरण साहू जी, लेकिन आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कभी संज्ञान लिया गया या प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया गया इस पूरे कार्य के बारे में? हाँ, अवगत करा दिए हैं, और कई बार पेपर भी आउट हो गया है, टीवी चैनल भी चालू हुआ है, और मैं जा करके नदी में वहाँ पे मतलब एक घटना भी हुआ था अगले साल। किसके द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है ये पुल? जी सर जी, किसके द्वारा ये पुल का निर्माण किया जा रहा है? ठेकेदार के माध्यम से बन रहा सर। रामचंद्र साहु जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आरके गर्ग जी जुड़ गए हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्वराज एक्सप्रेस में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर इस पुल का निर्माण इतना वक्त हो गया, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? काम चल रहा है, ये भास कलवर्ट चल रहा है काम, इसमें स्लैब बचे हैं, बाकी क्लियर और हो गए हैं, और दिसंबर तक कम्प्लीट हो जाएगा। सर जिस तरीके से काम चल रहा है, कितना वक्त से काम चल रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। 3 साल हो गए इसको? हाँ, क्या आप पुल बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब इतना तो मुंबई से जोड़ने वाले अंधेरी तक पुल इतना नहीं समय लगा था, जो समुद्र से होते हुए पुल गया था, आप ये छोटी सी नहर बनी हुई है उस पर पुल नहीं बना पा रहे हैं, 3 साल हो गए हैं। लेट लतीफी आखिर किसकी वजह से हो रही, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, 3 साल का वक्त क्यों लग रहा है आखिर? आर के गल जी, मैं आपसे आया हूँ, इससे पहले दूसरे अधिकारी थे, डिटेल मेरे पसंद नहीं है, लेकिन रहा होगा डिजाइन फैक्टर रहा होगा, साइट के अनुसार रहा होगा, कुछ लेट हुआ है। तो इस न तो अभी कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पानी की वजह से, बारिश की वजह से 3 साल से अगर बन रहा है तो 1.5 या 2 साल में इस पुल का निर्माण हो जाना चाहिए। आपके अनुसार कितने समय में इस पुल का निर्माण हो जाना चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, 2 सीजन लगता है, दो मोटा मोटा 18 महीने में हो जाता है, 18 महीने 24 महीने में। अच्छा, 2 साल लग जाता है। 3 साल की लेट लतीफी का जिम्मेदार कौन होगा, किसके किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, किसको मानते हैं? नहीं नहीं, वो तो पेनाल्टी कटती है, ठेकेदार को जो अनुबंध है उसके अनुसार से उसको जो पेनाल्टी है वो उसको हटा जाता है, और अब उसको दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए, पूरा प्रोग्राम ले लिया गया है। अभी कितना काम इसमें अधूरा और पड़ा आरके जी? स्लैब बचे हैं बस, स्लैब बचे हैं। ठीक है,
तो इसका दिसंबर तक ये पूरा निर्माण हो जाएगा, आवागमन शुरू हो सकता है इस पर? दिसंबर तक पूरा हो जाएगा निर्माण, पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, मतलब अभी भी 4-5 महीने लगने वाले हैं इसमें। चलिए, तमाम जानकारी के आरके गर्जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ लगातार पुरुषोत्तम पात्र संबद्ध जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा है कि वक्त का, हालांकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, वक्त का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों इतना वक्त लग गया, हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि 2 साल तक लग जाते हैं, लेकिन 3 साल क्यों लगे उसका जवाब उनके पास भी नहीं था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक इसका निर्माण हो जाएगा, स्लैब्स रह गए हैं बस। कितनी जानकारी है, कितनी बात सही है कि इस अधूरे पड़े निर्माण में क्या स्लैब्स का ही काम बचा हुआ है, लग रहा है कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये 300 मीटर लगभग इसका स्लैब है और 3 करोड़ 97 लाख का इसको स्वीकृति मिली हुई थी, और जो नियम के तहत इसको 18 महीने में बनने थे, क्योंकि पैगोड़ा उसके जो निर्माण, जो बाघ कलवर्ट का जो पिल्लर बनाते हैं, उस पिल्लर में ही सारा समय ठेकेदार ने जाया कर दिया है। उसके बाद इसमें जब एक नियम होता है कि अगर विलंब हो तो विलंब के लिए पेनाल्टी भरी जाती है, लेकिन पेनाल्टी के बजाय जो है विभागीय जो अधिकारी हैं और ठेकेदार के बीच एक समझौता हो जाता है, एक आवेदन दिया जाता है, कोई छोटा मोटा कारण दस्ता दिया जाता है और उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर ये एक्सटेंशन के नियम को अगर कड़ाई से पालन किया जाता होगा